You're a superhero. मैं जो कभी कह ना सका आज. हेलो एंड वेलकम गाइस, तो स्वागत है यार आप सभी का आपके अपने चैनल आरसी क्रिएशंस में. मैं आपका दोस्त फिर से हाजिर हूँ एक और नए ट्यूटोरियल वीडियो के साथ. तो गाइस, इस ट्यूटोरियल वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम लिरिकल व्हाट्सएप स्टेटस कैसे बना सकते हैं. गाइस नॉर्मल वाला नहीं गाइस, थोड़ा सा डिफरेंट बनाने वाले हैं क्योंकि इन लिरिकल व्हाट्सएप स्टेटस में हम मोशन ग्राफिक्स यूज़ करने वाले हैं जो कि काफ़ी अच्छा लुक देता है हमारे लिरिकल व्हाट्सएप स्टेटस को. तो गाइस, इस वीडियो को बनाने के लिए हमें एक ऐप की ज़रूरत पड़ेगी गाइस, जिसका नाम है काइन मास्टर. अगर आपके पास नहीं है गाइस तो मैं मेरे प्रो काइन मास्टर की डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं. तो चले गाइस शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के. तो गाइज आपको काइन मास्टर ओपन कर लेना है. काइन मास्टर ओपन करने के बाद यहाँ पे प्लस वाले अकाउंट पे क्लिक करना है और यहाँ से 16:9 का रेशियो सिलेक्ट कर लेना है. करने के बाद गाइज आपको बैकग्राउंड में से एक ब्लैक बैकग्राउंड लेना होगा, तो हम जल्दी से ले लेते हैं ब्लैक बैकग्राउंड. ले लेने के बाद इस ब्लैक बैकग्राउंड का आप जितने सेकंड तक एक्सटेंड करना चाहते हैं उतने सेकंड तक एक्सटेंड कर लेना है. चलिए मैं इतना रख लेता हूँ आपको समझाने के लिए. चलिए गाइज इतना रख लेता हूँ. और गाइस एक बात, मतलब ये इसी भी स्टेटस के लिए या इसी ट्यूटोरियल के लिए नहीं, आपको कभी भी हेल्पफुल रहेगी गाइस. अगर आप एक लिरिकल व्हाट्सएप स्टेटस बना रहे हैं गाइस, तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि गाइस आपको सबसे पहले सॉन्ग ऐड कर लेना है, जिससे आपको लिरिक्स का पता चल जाता है गाइस और एडजस्ट करने में भी कोई तकलीफ नहीं होती. तो हम भी यहाँ पे जल्दी से हमारा जो मतलब जिस सॉन्ग पे हम बनाने वाले हैं वो सॉन्ग ऐड कर लेते हैं. सॉन्ग ऐड करने के बाद काफ़ी आसान हो जाता है गाइस. तो चलिए गाइस मैं ये वाला यूज़ करने वाला, तो ये एडजस्ट कर लेता हूँ और इसका एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ से कट कर लेता हूँ. ओके गाइस, कट करने के बाद इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लेंगे गाइस हम. ओके गाइस, एक्सटेंड करने के बाद हम मैं सबसे पहले लिरिक्स सुन लेता हूँ गाइस. स्टार्टिंग लिरिक्स क्या है हमारी. ओके गाइस, तो मैं इस बार मतलब सॉरी टेक्स्ट ऐड कर लूँगा. मैंने लिरिक्स सुन लिया तो मैं टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ, सॉरी लिरिक्स ऐड कर लेता हूँ. ओके गाइस, हमने स्टार्टिंग लिरिक्स ऐड कर ली. इसकी साइज थोड़ी बड़ा लूँगा और जो पसंदीदा फॉन्ट है गाइस वो पसंदीदा फॉन्ट मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ. चलिए मैं ये रखना चाहूँगा तो ये सिलेक्ट कर लेता हूँ. साइज़ का भी आपको देख लेना है गाइस. और सबसे मेन चीज़ आपको करना ही है कि ये पूरा एक्सटेंड कर लेना है. ऐसे ये लिरिकल स्टेटस आसानी से बन जाता है गाइस, नहीं तो काफ़ी टाइम लगता है गाइस. तो आपको पूरा एक्सटेंड कर लेना है. फिर एनिमेशन, जो एनिमेशन देना चाहते हो वो इन एनिमेशन दे दीजिए और जो आउट एनिमेशन देना चाहते हो वो आउट एनिमेशन दे दीजिए. तो चलिए गाइस मैं इसको अपने सॉन्ग के साथ एडजस्ट कर लेता हूँ. ओके, यहाँ पे हमारा पहला मतलब पहली लिरिक्स ख़त्म हो रही, तो यहाँ पे मैं एक कट लगा लूंगा. और चलिए गाइस मैं अब दूसरी लिरिक्स क्या है वो सुन लेता हूँ. ओके गाइस, अब मैं अब दूसरी लिरिक्स सुन लिया गाइस, तो मैं दूसरी लिरिक्स भी ऐड कर लेता हूँ. तब तक आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए गाइस और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस, क्योंकि ऐसे ट्यूटोरियल आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे. तो चलिए गाइस इसको भी लिरिक्स के साथ एडजस्ट कर लेता हूँ. ओके, यहाँ से फिर से कट लगा लेता हूँ. अब फिर आगे की सुन लेता हूँ. ओके, काफ़ी आसान होता है गाइस, एक बार आप बना लेंगे तो समझ जाएगा गाइस आपको. आप गूगल से भी पेस्ट कर सकते हैं गाइस ये लिरिक्स, वो आसान जाता है गाइस. लेकिन मैं चलिए मैशअप सॉन्ग है इसलिए जल्दी से ऐसे हाथ से एडजस्ट कर लेता हूँ. ओके गाइस, यहाँ से फिर से कट लगा लूँगा. तो ऐसे ही गाइस आपको सारी लिरिक्स एडजस्ट कर लेनी है गाइस. मैं आपको सब करके नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा गाइस और बोर भी हो जाएगा. तो चलिए मैं जल्दी से पूरी लिरिक्स ऐड कर लेता हूँ, फिर आपको आगे के स्टेप्स बता दूंगा.
ओके गाइस, तो मैंने यहाँ पे सभी लिरिक्स ऐड कर लिए है गाइस। और सभी लिरिक्स ऐड करने के बाद आपको मतलब इन लिरिक्स को मूविंग कलर देने के लिए एक क्लिप ऐड करनी होगी गाइस, जिसकी डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर लेना। तो ये क्लिप ऐड कर लेनी है गाइस और इसे फुल स्क्रीन कर लेना है। फुल स्क्रीन करने के बाद थोड़ा आगे लेंगे और ब्लेंडिंग में जाके इसे मल्टीप्लाई कर देना है गाइस, जिससे हमारे टेक्स्ट को मतलब जो लिरिक्स है गाइस उसको कलर मिल जाएगा। और इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है गाइस कलरफुल बैकग्राउंड का, उसका एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ से कट कर देंगे। ओके गाइस, अब आता है हमारी मेन बारी। ओके गाइस, ये हो जाने के बाद आपको लेयर में जाना है गाइस। लेयर में जाने के बाद यहाँ पे एक ओवरले का ऑप्शन मिलता है गाइस, तो ओवरले में जाना है, नीचे जाना है, गेट मोर में जाना है। गेट मोर में जाने का आपका नेट ऑन रखना है गाइस, और यहाँ पे ओवरलेज होते हैं गाइस, तो ओवरलेज में एनिमेशन में थोड़ा नीचे स्लाइड करना है गाइस। नीचे स्लाइड करना है तो आपको एक मोशन एलिमेंट दिखेगा गाइस, मोशन एलिमेंट 2। तो ये मोशन एलिमेंट 2 आपको इंस्टॉल कर लेना है, मतलब डाउनलोड कर लेना है गाइस। तो चलिए, ये लोड नहीं हो रहा, हमारा नेट स्लो है गाइस इसलिए लोड नहीं हो रहा। तो आपको ये मोशन एलिमेंट, ओके सॉरी गाइस, हम बैक आ गए, एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। तो ये वाला मोशन एलिमेंट 2 गाइस, और आप थोड़ा और नीचे जाएंगे तो आपको मोशन एलिमेंट 1, ऐसे दो मोशन एलिमेंट्स आपको मिल जाएंगे, तो आपको डाउनलोड करके रख लेना है। तो मैंने ऑलरेडी ये डाउनलोड करके रखे, ये देखिए गाइस मोशन एलिमेंट, और यहाँ पे मेरा मोशन एलिमेंट 2 होगा गाइस। हाँ ये देखिए मोशन एलिमेंट 2। तो आपको करना क्या है गाइस, मतलब जहाँ लिरिक्स आपको दिखना शुरू होगी, तो मैंने फेडेड एनिमेशन दिया है गाइस, तो मेरे को लिरिक्स दिखना शुरू होगी तब नहीं क्या, मैं एक मोशन एलिमेंट्स लगाऊंगा गाइस, जो भी आपको पसंद आ रहा है गाइस वो मोशन एलिमेंट्स आपको लगा लेना है। चलिए मैं ये लगा लेता हूँ। आपको थोड़ा थोड़ा प्ले करके देख लेना है गाइस कि ये बराबर मैच, अच्छा जूम भी कर सकते हैं इसको, और थोड़ा प्ले करके देखना है कि मतलब जहाँ पे एडजस्ट नहीं हो रहा होगा तो इसे साइज कम ज़्यादा भी कर सकते हैं और इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो आपको प्ले करके बता देता हूँ एक बार। ओके, तो दूसरा मोशन एलिमेंट मैं यहाँ लगाना चाहूँगा, तो मैं दूसरा मोशन एलिमेंट यहाँ लगा लेता हूँ। ओके, मैं ये लगाना चाहूँगा, तो देखिए इधर इसको मुझे साइज़ बड़ी चाहिए और ये यहाँ पे चाहिए, तो मैं यहाँ पे इसको बराबर से एडजस्ट कर लूँगा। ओके, तीसरा भी हम लगा लेते हैं गाइस एक, चलिए आपको बताने के लिए मैं एक हार्ट वाला भी लगा के बता देता हूँ गाइस आपको, ये हार्ट वाला है। तो चलिए मैं इसको यहाँ पे रखना चाहूँगा, तो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ और थोड़ा आगे। ओके, तो चलिए प्ले करके बता देता हूँ। तो गाइस ऐसे ही आपको सभी मोशन एलिमेंट्स एडजस्ट कर लेने हैं गाइस ओवरले में, मोशन एलिमेंट्स और मोशन एलिमेंट्स 2, आपको जो मतलब जो पसंदीदा हो गाइस वो सब ऐड कर लेना है। और फिर इस वीडियो को एक्सपोर्ट करने के लिए इस साइन पे क्लिक करना होगा गाइस और यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेना होगा। तो चलिए गाइस, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।